हम बात कर रहे हैं एनसीसी की। आज के दिन की बात करें तो एनसीसी में फ़िलहाल हम देख सकते हैं अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त स्टॉक जो है 328.60 पैसे पर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। जब स्टॉक ने बाउंस बैक किया था, याद होगा आपको, हमने डिस्कस किया था इसके हाई के ब्रेकआउट का, इसके ब्रेकआउट के बाद 320 से लेके 340 तक के टारगेट को हम डिस्कस कर चुके थे। स्टॉक ने बाउंस बैक किया, ब्रेकआउट किया अपने हाई को और 340 के आसपास से ही रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है। लेकिन इस रिजेक्शन के बाद हम देख सकते हैं स्टॉक ऊपर की ओर ही सस्टेन होता नज़र आ रहा है। 320 के लेवल पर सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, इसका तगड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर ब्रेकडाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ से स्टॉक ने इससे पहले रिजेक्शन लिया था 310 का लेवल और सबसे आखिरी सपोर्ट रहेगा 300 का लेवल। लेकिन स्टॉक में आप अपसाइड हमको देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ से और बड़े टारगेट दिखा सकता है। इसमें पहले हम बायर्स देखते हैं किस तरह से आए हैं। लगातार बड़ी बाइंग हमको स्टॉक ने दिखाई है और इस बाइंग के अकॉर्डिंग यहाँ सेलिंग प्रेशर भी चेक कीजिए, क्या उतना बड़ा सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है जितनी बड़ी बाइंग हमको 240 के आसपास से देखने के लिए मिली है। इतनी रैली बताने के बाद भी स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट हो रहा है, बड़ा सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो यहाँ से स्टॉक की ब्रेकआउट की तैयारी चल रही क्योंकि बड़े पिलर्स एग्जिट के लिए तैयार नहीं है। तो इमीडिएट टारगेट स्टॉक ने जहाँ से रिजेक्शन लिया है वही रहेगा 340 का लेवल, और 340 के लेवल से देखिए स्टॉक ने दो तीन दफ़ा इसके आसपास से रिजेक्शन लिया, तो इस दफ़ा बनेंगे ब्रेकआउट के चांस। 340 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट टारगेट 344 और इसको ब्रेकआउट करके 350 से लेके 360 तक के टारगेट एनसीसी में अब हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ तक का जंप हमको शॉर्ट टर्म में ही स्टॉक दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।